हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्चना चौहान एंड टुडे वी विल डिस्कस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम आरएस अग्रवाल चैप्टर 2। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चूज़ द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमारे पास यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं उनके चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और उनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा जो कि हमें सेलेक्ट करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ अ पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल। हमें बताना है कि यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशंस हैं वो वन वेरिएबल के पॉलीनोमियल हैं या नहीं है, ये हमें बताना है। तो चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर पहले ये समझना है पॉलीनोमियल के बारे में। पॉलीनोमियल मीन्स, पॉलीनोमियल के लिए एक डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको। उसके लिए क्या होगा कि पॉलीनोमियल में आपकी जो एक्सपोनेंट होता है, जो पावर होती है वेरिएबल की, दैट शुड बी ओनली पॉजिटिव। एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, इट शुड बी अ पॉजिटिव होल नंबर। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। ठीक है, फ्रैक्शन नहीं होगा और कोई भी स्क्वायर रूट उस पर नहीं लगा होगा। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक, तो इन सब कंडीशंस को ध्यान रखते हुए चेक करते हैं कि ये क्या होगा। ओके, सो देखो यहाँ पे x प्लस टू अपॉन एक्स, तो 2 अपॉन x को हम क्या लिख सकते हैं, 2x raised to power -1। तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर ये 2 अपॉन √x है, तो मीन्स 2x raised to power -1/2 हम इसको लिखेंगे, तो ये नेगेटिव भी है, ये नेगेटिव यहाँ पर बन गया है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज़ √2x² तो x की पावर 2 है, दैट इज़ अ होल नंबर, एंड x raised to power 1 दैट इज़ ऑल्सो अ होल नंबर, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, लेकिन इसको भी चेक कर लेते हैं। बट यहाँ ये जो पॉलीनोमियल है इट इज़ गिवन इन 2 वेरिएबल्स, हमारे पास यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं होगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, सी हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ अ पॉलीनोमियल। अगेन हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल होगा, तो इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो √x है, तो x raised to power 1/2 मीन्स फ्रैक्शन हो गया, तो ये वाला नहीं होगा। x-1 upon x+1 ये भी नहीं होगा। ठीक है, बी नहीं होगा। सी, यहाँ पर x की पावर -2 इसको ऊपर लेकर जाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, वैसे तो 3 नहीं है तो फिर डी ही ऑप्शन होगा, बट स्टिल वी नीड टू सॉल्व दैट। तो इसको सॉल्व करते हैं, x² 2x raised to power 3/2। अब देखो √x का मतलब होता है x की पावर 1/2, जब ये ऊपर जाएगा तो -1/2 हम इसको लिख सकते हैं। राइट, इट इज़ +6, तो 3/2 -1/2 मीन्स 2/2 यहाँ से हमें मिलेगा। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, है ना, इट विल गिव 2x raised to power 2/2, तो 2 से 2 कट गया तो कितना मिलेगा यहाँ से, केवल x raised to power इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीनोमियल, सो अगेन वी नीड टू चेक। तो पार्ट ए में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है √y, तो इट मीन्स y raised to power 1/3, सो इट वुड नॉट बी, है ना, ये नहीं होगा। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, इट मीन्स y raised to power 1/2, ये भी नहीं होगा। इट्स y raised to power 1, यस दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर भी देखिए y raised to power 1/2, और जब ये ओपन न्यूमरेटर में जाएगा इट वुड बी रिटन लाइक y raised to power -1/2। राइट, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ चेक फॉर क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीनोमियल, अगेन वी नीड टू चेक। अब तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया कि कौन सा यहाँ पर होने वाला है। तो देखो यहाँ पर क्या है, x की पावर -1 आएगा तो ये नहीं होगा। यहाँ पर भी x की पावर -1 आएगा तो ये भी नहीं होगा। 1 upon x मीन्स x ऊपर जाएगा तो -1 होगा। दिस इज x raised to power 1/2, ये 1/2 है यहाँ पर, ये भी नहीं होगा, फ्रैक्शन में है पावर, सो -4। ये क्यों होगा, इट्स अ कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल। ठीक है, क्योंकि इसकी जो पावर है कितना हुआ, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0° पॉलीनोमियल यहाँ पर बनेगा, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉलीनोमियल, अगेन तो देखो यहाँ नेगेटिव पावर है तो ये नहीं होगा, यहाँ भी नेगेटिव पावर हमारे पास है तो नहीं होगा, यहाँ भी नेगेटिव पावर है हमारे पास तो ये भी नहीं हुआ, सो इट वुड बी अ डी ऑप्शन। क्यों, इसकी भी पावर यहाँ पर कितना होगा, x की पावर 0, कितना भी रख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप कितना भी x की पावर रख सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, बट इट्स अ
ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाइएस्ट पावर कितना हो, टू हो, वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है. तो चेक करिए, यहाँ पर वेरिएबल है एक्स, ठीक है, और इसका जो पावर है कितना है, वन है, तो ये नहीं होगा. यहाँ पर थ्री है, दिस इज़ नॉट. एंड थर्ड वन थ्री है पावर हाईएस्ट, ये भी नहीं होगा. यहाँ पर चेक करते हैं, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है, टू, सो इट वुड बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है एक्स की पावर वन आपकी होनी चाहिए, है ना, एक्स की पावर वन होनी चाहिए. सो चेक कर लेते हैं, हाईएस्ट पावर यहाँ पर टू है, सो इट्स नॉट पॉसिबल, ये नहीं होगा. यहाँ पर चेक करो, जो बी है एक्स की पावर वन है, राइट, एंड यहाँ पर टू है, तो ये भी नहीं होगा. एंड एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तो ये एक्स की पावर माइनस वन इसमें यहाँ पर मिलेगा, तो ये भी नहीं होगा. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बाइनोमियल. तो हमें बताना है कि यहाँ पर जो भी गिवन ऑप्शंस हैं उनमें बाइनोमियल कौन सा होगा. तो बाइनोमियल, बाय मीन्स टू एंड नोमियल मीन्स टर्म. सो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज़ कंटेनिंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल, करेक्ट. सो सिंपली यू कैन चेक फ्रॉम हेयर, थ्री टर्म्स, सो इट वुड नॉट बी, एंड येस इट शुड बी अ बाइनोमियल बिकॉज देर आर नंबर ऑफ टर्म्स आर टू, एंड ये मोनोमियल है, दिस इज ट्राइनोमियल, करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन, रूट थ्री इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री. हमें चेक करना है कि जो रूट थ्री है वो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है. तो आप याद रखो, जब भी इस तरीके से कुछ भी आपको दिया हो, ठीक है, तो इसका जो वेरिएबल है उसकी जो डिग्री होगी वो हमेशा ज़ीरो होगी, राइट. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, ठीक है. तो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये ज़ीरो डिग्री का पॉलिनोमियल है. नाउ क्वेश्चन नंबर टेन, डिग्री ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल इज. इसी क्वेश्चन को इन्होंने देखो फिर से घुमाकर पूछ लिया है. तो डेफिनेटली जो डिग्री की बात कर रहे हैं, ज़ीरो पॉलिनोमियल, अच्छा यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ये ज़ीरो था, अब ये बात कर रहे हैं जो ज़ीरो है, तो ज़ीरो है. अब इसका तो आप कितना भी रख सकते हो ना, ज़ीरो रख लो, आपका मन कर रहा है कि आप यहाँ पर हंड्रेड रखो, ठीक है. तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, ऐसे जो ज़ीरो पॉलिनोमियल हैं उनकी डिग्री डिफाइन ही नहीं है. सो क्वेश्चन नंबर टेन पार्ट सी वुड बी द करेक्ट वन, राइट. नाउ नेक्स्ट वन इज़ ज़ीरो ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल इज. हमें ज़ीरो पॉलिनोमियल का ज़ीरो बताना है. ज़ीरो से यहाँ पर क्या मतलब है, उसका फैक्टर हमें बताना है, ठीक है. तो ज़ीरो ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल, ज़ीरो पॉलिनोमियल का हमेशा जो फैक्टर होएगा दैट वुड बी वन. कैसे, देखो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स इज टू पावर 100. तो दो फैक्टर इसके बन रहे हैं, एक तो ज़ीरो बन रहा है, दूसरा वन बन रहा है, ठीक है. तो ज़ीरो ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल वुड बी वन, करेक्ट. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 11. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. सो इट इज़ इफ एफ एक्स, इफ पी एक्स इक्विवेलेंट टू एक्स प्लस फोर, देन पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स इक्विवेलेंट टू. तो इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, है ना. तो देखो अगर इस फंक्शन में मैं x की जगह क्या करूं, यहाँ माइनस एक्स रखूं, तो मेरे पास क्या बनेगा फंक्शन, माइनस एक्स प्लस फोर. अब उसने क्या कहा है कि आप ऐड कर दीजिए, दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए, तो ऐड कर देते हैं. तो देखो ये क्या बनेगा, पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स. वैल्यू ऑफ पी एक्स इज़ एक्स प्लस फोर एंड वैल्यू ऑफ पी माइनस एक्स इज माइनस एक्स प्लस फोर. सो ये कट जाएगा, सो 4 प्लस 4 इज 8, राइट. सो क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है. 13 है इफ पी एक्स
इक्वलेंट टू एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स प्लस वन, देन फाइंड पी टू रूट टू। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, सिंपली जो भी हमारा पॉलिनोमियल होता है उसमें एक्स की जगह आपने टू रूट टू रख देना होता है। सो जस्ट सॉल्व इट। सो टू रूट टू का स्क्वायर होएगा माइनस टू रूट टू इन ब्रैकेट टू रूट टू प्लस वन, करेक्ट। नाउ सॉल्व इट। टू टू जो फोर, टू जो एट, कैसे सॉल्व करोगे? टू का स्क्वायर फोर, रूट टू का स्क्वायर टू, टू रूट टू, टू टू को टू से मल्टीप्लाई करो फोर होगा, रूट टू की जब रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तब टू आएगा, प्लस वन। देखा जाए तो ये पूरी टर्म और ये दोनों टर्म क्या है, एट एट बन रही है, तो ये क्या होंगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो आंसर क्या आएगा, वन आ जाएगा, है ना। सो जो थर्टीन है, इट्स ऑप्शन इज बी, बी इज द करेक्ट वन। ओके नाउ फोर्टीनथ, पी एक्स इक्वलेंट टू फाइव एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, फाइंड पी माइनस वन। सो सिंपली जस्ट पुट इन द पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ एक्स इज माइनस वन, सो फाइव माइनस वन माइनस फोर माइनस वन स्क्वायर प्लस थ्री, सॉल्व इट, इट वुड बी माइनस फाइव, एंड माइनस वन का स्क्वायर, यहाँ पर ये ऑड है पावर, तो हमेशा ये हमें क्या करता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है, याद होगा आपको, माइनस वन रेज टू पावर एन, अगर ये क्या है, इवन है, राइट, इट इज इवन, देन ये क्या हो जाएगा, होएगा वन रेज टू पावर एन, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर ये ऑड है, पावर कैसी है, ऑड, ठीक, तो उस केस में क्या आएगा, माइनस वन रेज टू पावर एन आ जाएगा ये, ठीक है। चलिए, बहुत हौचपोच हो गया यहाँ पर, कोई बात नहीं, मैं इसको भी कलर चेंज कर लेती हूँ तो शायद थोड़ा बेटर हो जाए। ओके, फाइव इंटू माइनस वन माइनस फाइव, माइनस वन का स्क्वायर, पावर इवन है इसलिए क्या होगा, प्लस हो जाएगा ये, सो माइनस फोर यहाँ रहेगा, प्लस थ्री, माइनस फाइव माइनस फोर वुड बी माइनस नाइन प्लस थ्री, एंड इट गिव्स अस माइनस सिक्स। तो चेक कर लो कहीं ऑप्शन है माइनस सिक्स फोर्टीन का, यस देर इज अ ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके सो फॉर क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 चेक करते हैं। इफ एक्स इज टू पावर 51 प्लस 51 इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, देन द रिमाइंडर इज, सो सिंपली कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम लगानी है। तो अगर एक्स प्लस वन यहाँ पर इसका डिविजर है, राइट, तो आप यहाँ से x इक्वल्स टू माइनस वन फाइंड कर सकते हैं, जी एक्स इक्वल्स टू जीरो रखकर। अब ये जो हमारा, लेट सपोज ये हमारा पी एक्स हो गया, तो इसमें वैल्यू रखिए, है ना, तो यहाँ रखोगे p माइनस वन, तो माइनस वन रेज टू पावर 51 प्लस 51। अब देखो यहाँ पर ये माइनस वन रेज टू पावर 51, पावर कैसी है, ऑड है, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस वन मिलेगा, ठीक है। सो इट वुड बी प्लस 51, सो ऑन सॉल्विंग इट यू विल गेट हियर 50 ओनली, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 15, इट्स आंसर इज डी, ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इफ एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, देन के इक्विवेलेंट टू व्हाट, के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो बड़ी सीधी सी बात है, अगर एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस वन आप इसमें रखेंगे, है ना, तो हमारा जो, लेट सपोज अगर ये पी एक्स में इसको लेट कर लूँ, लेट पी एक्स इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, है ना, और अगर x प्लस वन इसका फैक्टर है, तो p माइनस वन क्या होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो रख दो वैल्यू इसमें, क्या बनेगा, माइनस वन का स्क्वायर टू प्लस के, और यहाँ पर माइनस वन, करेक्ट। सो यहाँ से बनेगा, देखो माइनस वन की पावर टू प्लस वन हो जाएगा, तो टू माइनस के इक्विवेलेंट टू जीरो, तो यहाँ से k की वैल्यू टू आ गई, राइट। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 16, इट्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ठीक। दिस क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन पी एक्स इक्विवेलेंट टू दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू द रिमाइंडर इज, सो सिंपली अप्लाई द रिमाइंडर थ्योरम, है ना, यहाँ से एक्स माइनस टू इक्विवेलेंट टू जीरो रखो, तो एक्स की वैल्यू टू आ गई, राइट। तो अगर मैं यहाँ से पी टू निकालूंगी, है ना, तो जो भी आएगा वही मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। सो इट वुड बी टू रेज टू पावर फोर प्लस टू, टू रेज टू पावर थ्री माइनस थ्री, टू रेज टू पावर टू प्लस टू माइनस वन,
करेक्ट। अब इसको सॉल्व करो, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 अगेन, माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12 प्लस 2 माइनस 1, ठीक है। इन प्लस वाले नंबर्स को ऐड करिए तो ये बनेगा 32 प्लस 2 34 एंड माइनस 13, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4 माइनस 3 इज़ 1, 3 माइनस 1 इज़ 2, सो इट इज़ 21। सो देर इज़ देर एनी ऑप्शन? येस, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 चेक करते हैं क्या है। सिंपली सेम मेथड आपने यहाँ पर अप्लाई करना है, डू इट क्विकली इन योर नोटबुक। सो देखो यहाँ पर सीधे मैं वैल्यू रख रही हूँ, एक्स की वैल्यू -2 यहाँ से मिलेगी, रख दीजिए। तो पी -2 रिमाइंडर हमने फाइंड करना है, तो -2 का होल क्यूब -3 -2 स्क्वायर +4 -2 +32, करेक्ट। सो देखो यहाँ पे पावर ऑड है तो माइनस आएगा ही आएगा, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस, यहाँ पावर इवन है तो प्लस में चेंज हो जाएगा ये, 2 टाइम्स 2 2 टाइम्स 4 4 3 टाइम्स 12 -4 2 टाइम्स 8 +32, करेक्ट। नाउ ऐड देम, कितना बनेगा ये, 12 8 20 8 28 -28 + 32, राइट। नाउ सब्ट्रैक्ट, इट इज 4, आंसर इज 4। सो इज देर एनी ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग कर रहे थे ना, यस 18 का चेक कर लेते हैं कौन सा पार्ट है। डी, डी इज द करेक्ट वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन px इक्वल टू दिस पॉलीनोमियल इज डिवाइडेड बाय 2x - 1 द रिमाइंडर इज, तो सेम प्रोसेस हमने लगाना होगा, 2x - 1 इक्वल टू 0 रखो यहाँ से, और x की वैल्यू हो जाएगी बेटू 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर पॉलीनोमियल में आप रख दीजिए इसको, तो पी 1/2 इक्वल टू 4 1/2 का होल क्यूब -12 1/2 का स्क्वायर प्लस 11 1/2 -5, ओके इतना कीजिए। उसके बाद चेक करते हैं कि क्या बनता है ये, है ना। चलो तो यहाँ से बनेगा 4 × 1/2 2 जो 4 2 जो 8 -12 × 1/4 +11/2 -5, राइट। 4 2 टाइम्स 8 हो गया, एंड 4 से 3 टाइम्स ये चले जाएगा, और कुछ तो कटेगा नहीं यहाँ पर। तो आगे चेक करो क्या बच रहा है यहाँ से, ये बनेगा 1/2 -3 + 11/2 -5। अब यहाँ पे आप सिंपली एक काम कर सकते हो, या तो सीधे ही एलसीएम ले लो इनका, एलसीएम लेके अगर सॉल्व करते हो तो 2 एलसीएम हो गया, 1 आएगा 6 यहाँ पर, 11 यहाँ पर, और -5 मीन्स कि 10 यहाँ पर, ओके। तो ये बनेगा 12 -16/2, सो इट वुड बी -4/2। अब इसको ज़रा थोड़ा सा कट कर लें तो ये बनेगा -2, ठीक है। सो चेक करो क्या रिमाइंडर कहीं पर -2 है, दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 19। चेक करो -2 या 2 आएगा, 11 और 12 -16, आई एम गेटिंग -2, सो -2, दैट्स मीन ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, राइट। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन पी एक्स इक्विवेलेंट 2x³ - ax² + x इज डिवाइडेड बाय x - a द रिमाइंडर इज, देखो रिमाइंडर वाली थ्योरम में सिंपली रिमाइंडर थ्योरम आपने अप्लाई कर देनी है। सो सिंपली आई एम राइटिंग हेयर पी ए, है ना, यहाँ से आपको x = a मिल जाएगा। सो पी ए a³ - a² + a, राइट। तो अगर ध्यान से आप देखो तो यहाँ पर बेटा ये बन रहा है a³, और ये -a और a² ये मिलके a³ बन जाएगा, तो a इज़ योर आंसर, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, व्हेन इसका a ऑप्शन करेक्ट था, ओके। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन px = x + a इज़ द रिमाइंडर, है ना। तो रिमाइंडर अब x + a से डिवाइड हो रहा है तो हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, तो सिंपली इसको सॉल्व करो तो यहाँ से मिलेगा x = -a, है ना, उठा के यहाँ रख दीजिए, तो ये मिलेगा आपको p - a - a² + a - a² + 2 - a + a, करेक्ट। सो यहाँ से मिलेगा, देखो यहाँ पे पावर ऑड है तो -a³ हमें मिलेगा, यहाँ पावर इवन है तो प्लस में लौट कर आएगा,
और ये प्लस का ए क्यूब हो जाएगा एंड माइनस टू ए प्लस ए। तो अब यहाँ से ये दोनों उड़ा दो इनको, एक माइनस एक प्लस है, ठीक है। तो माइनस टू ए प्लस ए कितना हो जाएगा, माइनस ए बन जाएगा। सो इज देयर एनी ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 21? यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। तो ये दिया है x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें बताना है कि इनमें से ये किसका फैक्टर होगा। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो, है ना, x प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो रख के, तो x की वैल्यू कितना आ गई, माइनस वन आ गई, है ना। तो आप इन सभी पॉलिनोमियल में रख रख कर देखो, अगर जिसमें भी ये वैल्यू रख कर वो पॉलिनोमियल ज़ीरो आ जाएगा, वही उसका, उसी का ये फैक्टर होगा, है ना। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो पहले मैं चेक करूँ, तो ये बनेगा माइनस वन का क्यूब, डायरेक्ट कर लेते हैं, काम करते हैं, है ना, ज़्यादा कैलकुलेशन तो है नहीं इसमें। तो देखो माइनस वन का क्यूब ऑड है, यहाँ पे इवन है, माइनस माइनस प्लस वन प्लस वन, तो ये तो होगा नहीं, थ्री माइनस वन मतलब ही नहीं बनता। बी में चेक करूँ, यहाँ से सॉल्व करोगे तो माइनस वन मिलेगा, प्लस टू मिलेगा, प्लस वन माइनस टू, चेक करो, ये बना टू प्लस वन थ्री, और माइनस टू माइनस वन इज़ ऑल्सो थ्री, है ना, यही वाला हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी फॉर क्वेश्चन नंबर 22 इज़ द करेक्ट वन। ओके, नाउ 23, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू टू एक्स प्लस फाइव, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सिंपली। सो यहाँ से इसको पी एक्स को ज़ीरो रखो, है ना, तो ये बनेगा टू एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो, और x की वैल्यू हो जाएगी बेटा माइनस फाइव अपॉन टू। सो इज देयर एनी ऑप्शन, येस 23 पार्ट बी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नाउ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें पता करना है कि इनमें से कौन से ज़ीरोज होंगे इस पॉलिनोमियल के, सिंपली जो सेटिस्फाई कर जाएंगे वही इसके ज़ीरोज हो जाएंगे, है ना। तो चेक कर लेते हैं, देखो टू और थ्री को चेक करो, तो टू टाइम्स टू और थ्री को अगर आप चेक कर रहे हो, तो ये बनेगा टू का स्क्वायर फोर प्लस टू माइनस सिक्स, तो सिक्स माइनस सिक्स ज़ीरो आ गया। थ्री के लिए चेक करो, थ्री थ्री टाइम्स नाइन, नाइन प्लस थ्री, देखो थ्री थ्री टाइम्स नाइन प्लस थ्री माइनस सिक्स, तो ये तो नहीं आ रहा है ज़ीरो, तो ये तो नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट के लिए चेक करते हैं, माइनस टू कॉमा थ्री के लिए, तो माइनस टू कॉमा थ्री मीन्स ये बनेगा माइनस टू का स्क्वायर मीन्स फोर, माइनस टू प्लस सिक्स, तो इट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू ज़ीरो, ये तो पहला ही ज़ीरो नहीं आया है, है ना, तो ये भी नहीं होगा। सी के लिए चेक करते हैं, सी के लिए देखो क्या है, टू कॉमा माइनस थ्री, टू के लिए चेक करो, ये बनेगा फोर प्लस टू माइनस सिक्स, यस ज़ीरो हो गया टू रखने पर, राइट। मतलब एक तरीके से हम पी टू यहाँ से निकाल रहे हैं, अब पी माइनस थ्री आप फाइंड कीजिए, तो माइनस थ्री का स्क्वायर कितना बनेगा नाइन, ये माइनस थ्री माइनस सिक्स, येस इट इज़ ज़ीरो, सो इट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो कुछ काम शॉर्टकट में भी किए जाते हैं, तो 24 का सी पार्ट ये है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 25, द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्विवेलेंट टू टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री, सेम काम आपने करना है, इन वैल्यूज़ को रख रख कर देखना है। एक दूसरा तरीका और है कि आप इसको कैलकुलेट कर लो, है ना, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी फैक्टर्स यहाँ पर आएंगे वही उनको बोल दोगे कि ज़ीरोज हो, तो जो भी मेथड आपको ईजी लगे उससे आप कर सकते हो। चलो आपकी बार ये वाला करके देख लेते हैं, देखो यहाँ पे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर आप लगाते हो तो प्रोडक्ट आपने फाइंड करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का और जो हमारे कांस्टेंट टर्म है, दैट वुड बी सिक्स। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनका डिफरेंस क्या है, फाइव आए, है ना, उनका जो डिफरेंस है वो फाइव आए। तो चेक करो यहाँ पर, देखो अगर सिक्स को मैं मल्टीप्लाई करूँ वन से तो सिक्स मिलेगा, और सिक्स को अगर सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो फाइव मिलेगा, है ना। तो इसके फैक्टर्स हम कैसे कर सकते हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री, वी कैन राइट टू एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री, है ना। इस साइन पर डिपेंड करता है कि हम ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस वाले साइन पर। नाउ यहाँ से टू एक्स कॉमन कर लो, तो बेटा बनेगा एक्स प्लस थ्री
माइनस वन कॉमन करोगे तो एक्स प्लस थ्री कॉमन कर लो, और यहाँ से बनेगा टू एक्स माइनस वन। यहाँ से एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक तो माइनस थ्री, दूसरी वन बाई टू। ठीक है, तो अब चेक करो क्या कहीं पर है, माइनस थ्री एंड वन बाई टू। यस, इट इज़ ऑप्शन बी, बी इज़ द करेक्ट वन। तो देखो ऑब्जेक्टिव में हमें सोल्यूशन तो दिखाना नहीं होता है, तो जैसे भी आपको सही लगे वैसे आप कर सकते हो, दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। देखो यहाँ पे भी क्या है, जीरोज हमें निकालने हैं पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा ये मेथड ज़्यादा ईजी लगता है कि मैं इनको फैक्टराइज़ कर लूँ। ठीक है, तो जल्दी से आप भी फैक्टराइज़ कीजिए, फाइंड करिए प्रोडक्ट कितना आएगा, टू इंटू फोर कितना आया, एट आ जाएगा। अब यहाँ पर चेक करो साइन कैसा है, माइनस का है, तो हमें यहाँ पर इनका डिफरेंस एक्चुअली फाइंड करना पड़ेगा। ठीक, सो फाइंड द डिफरेंस। तो देखो यहाँ पर एट को हम कैसे अरेंज करें कि हमारा जो डिफरेंस है वो सेवन आ जाए, तो एट इंटू वन अगर करते हैं तो एट, और एट माइनस वन अगर हम कर लें तो सेवन मिल जाएगा। ओके, सो नाउ वी कैन डू द फैक्टराइजेशन हियर। सो वी कैन राइट टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस फोर। सो टू एक्स आप कॉमन कर लें तो यहाँ से मिलेगा एक्स प्लस फोर, माइनस वन कॉमन करें तो एक्स प्लस फोर मिलेगा, करेक्ट। नाउ एक्स प्लस फोर अगर आप कॉमन करते हो तो यहाँ से मिलेगा टू एक्स माइनस वन। तो सिंपली यहाँ से एक्स की आपको दो वैल्यू मिल जाएंगी, माइनस फोर एंड दूसरा वन बाई टू। राइट, तो चेक करो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, माइनस फोर एंड वन बाई टू। सो इट्स ऑप्शन 26 है ना, यस सी, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नोट डाउन इट, क्वेश्चन सी का, क्वेश्चन 26 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ 27, उसने बोले कि x प्लस फाइव एक फैक्टर है पी एक्स का, देन के, तो सिंपल सी बात है अगर ये फैक्टर होगा बेटा तो ये इसको ज़ीरो कर देगा, है ना। x इक्वल्स टू माइनस फाइव, इसका मतलब p माइनस फाइव क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो आप उठाकर यहाँ वैल्यू रख के सॉल्व कर दो, 20 माइनस फाइव प्लस फाइव के। ओके, फाइव फाइव से 25, फाइव टाइम्स 125, नेगेटिव ऑड है तो माइनस का आ जाएगा यहाँ पर, एंड ये 100 बन जाएगा प्लस 5k इक्विवेलेंट टू ज़ीरो। राइट, सो अब ये क्या बनेगा, देखो ये बनेगा माइनस 25 प्लस 5k इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो तो यहाँ से k मिलेगा, देखो माइनस 25 इधर जाके 25, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, तो k की वैल्यू 5 है। चेक करो क्या है कहीं पर, यस 27th का बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 28, इफ एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस वन आर फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, एक्स क्यू प्लस टेन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, डन। ओके, तो हमें यहाँ एम और एन की वैल्यू निकालनी है, तो बड़ी सीधी सी बात है अगर एक्स प्लस टू और एक्स माइनस वन इसके फैक्टर हैं तो बेटा आपको क्या करना होगा, पी माइनस टू इक्विवेलेंट टू ज़ीरो निकालना होगा, और पी माइनस वन इक्विवेलेंट टू ज़ीरो, पी प्लस वन होगा ये, है ना, एक्स माइनस वन है यहाँ पर, तो निकाल दीजिए। तो ये बनेगा माइनस टू का क्यूब प्लस टेन माइनस टू स्क्वायर प्लस एम माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो। सॉल्व करो, ये बनेगा माइनस एट, यहाँ से मिलेगा फोर टेन टाइम्स 40 माइनस टू एम, एंड यहाँ पर कुछ छोटा है क्या, यस बेटा यहाँ पर मैं एन लिखना भूल गई हूँ, ठीक है, तो प्लस एन इक्विवेलेंट टू ज़ीरो, और यहाँ से बच्चे मिलेगा माइनस टू एम प्लस एन। देखो यहाँ जब इसको सॉल्व करोगे ना तो 40 माइनस एट 32 बचेगा, और जब आप राइट हैंड साइड में इसको शेयर करेंगे तो ये माइनस का 32 रहेगा, है ना। चलिए अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखो ज़रा पी वन हमने निकालना है, तो पी वन इक्विवेलेंट टू ज़ीरो हमने रखना है, तो ये बनेगा वन का क्यू प्लस टेन को, तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं, वन ही तो है, तो यहाँ पे वन प्लस टेन प्लस एम प्लस एन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो
यहाँ से टेन था ना, ये टेन प्लस इलेवन, तो एम प्लस एन इक्वलेंस टू माइनस इलेवन ही आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, कोई भी मेथड आप लगा सकते हो जो भी आपको सही लगे। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, इसके नीचे मैं इसको रख दे रही हूँ यहाँ पर माइनस इलेवन, राइट, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये उड़ जाएगा, यहाँ से माइनस थ्री एम आएगा एंड माइनस का यहाँ बचेगा टू माइनस वन इज़ वन एंड माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस वन इज टू, करेक्ट, और माइनस से माइनस कट और थ्री से ये जो है सेवन टाइम्स, तो ये बेटा यहाँ से एम की वैल्यू तो मुझे मिल गई है सेवन, है ना। अब यहाँ से इस इक्वेशन से आप निकालिए एन की वैल्यू इस वाली से, तो एन इक्वल्स टू माइनस इलेवन माइनस सेवन बनेगा ये, ठीक है, तो एन इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का एटीन। चेक कर लो, चेक करो जल्दी से क्या कहीं ये वैल्यू हमें मिल रही है, कौन कौन सी, एक तो एम की वैल्यू सेवन है और एन की वैल्यू हमारे पास है माइनस एटीन। चलिए चेक करते हैं, देखो यहाँ पर कहीं है एम इक्वल्स टू सेवन ट्वेंटी एट, यस बी पार्ट इज द करेक्ट वन, ठीक, एम की वैल्यू सेवन एंड एन की वैल्यू माइनस एटीन। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। ओके नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्या किया इसने, बोला है कि अगर ये पॉलिनोमियल एक्स प्लस वन से डिवाइड होता है तब वैल्यू ऑफ के फाइंड कीजिए। तो कुछ करना ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, तो सोचना भी नहीं है, सिंपली उठा के रख दीजिए वैल्यू। अगर ये इससे डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली पी माइनस वन क्या हो जाएगा बेटू, ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो माइनस वन रेज टू पावर हंड्रेड एंड एक्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस वन रेज टू पावर नाइन्टी नाइन प्लस के इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके बेटू, अब देखो यहाँ पे हंड्रेड है, इवन है पावर, तो ये लौट के हमें प्लस देगा एंड यहाँ पर नाइन्टी नाइन ऑड है, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस में नंबर मिलेगा, ठीक है, और ये टू रहेगा, प्लस के इक्विवेलेंट टू ज़ीरो, माइनस वन प्लस के इक्विवेलेंट टू ज़ीरो, तो यहाँ से बेटू के की वैल्यू वन आ जाएगी। चेक कर लो है क्या, 29 का ए पार्ट इज़ द ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 30, चेक करो इसको भी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज़ द पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स प्लस टू, तो सिंपली वैल्यू हमें निकाल देनी है एक तरीके से, किस वैल्यू के लिए है, तो यहाँ से बेटू एक्स की वैल्यू माइनस टू, तो बच्चे आप रख दो पी माइनस टू इक्विवेलेंट टू ज़ीरो, है ना, सॉल्व कर दो, तो ये बनेगा टू माइनस टू होल क्यूब माइनस के माइनस टू स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू प्लस टेन इक्विवेलेंट टू ज़ीरो, करेक्ट। नाउ देखो ऑड है पावर, तो डेफिनेटली हमें नेगेटिव मिलेगा, तो एट टू टाइम सिक्सटीन एंड पॉजिटिव मिलेगा, तो फोर के नेगेटिव सिक्स प्लस टेन इक्विवेलेंट टू ज़ीरो। ओके सो देखो टेन यहाँ से माइनस सिक्सटीन और सिक्स माइनस ट्वेंटी टू प्लस टेन माइनस फोर के इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ से मिलेगा ये माइनस ट्वेल्व आ जाएगा, देखो है ना, माइनस फोर के इक्विवेलेंट टू ज़ीरो। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लो इसको, थोड़ा सा और सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा, माइनस फोर के इक्विवेलेंट टू ट्वेल्व एंड के इक्वल्स टू बेटा माइनस थ्री आ रहा है। आप भी चेक करो कितना है आपका आंसर, 30 का डी, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 31। तो देखो यहाँ पे द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सिंपली हमने इसके जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक, तो फैक्टर्स कर लो इसके, है ना, तो क्या बनेगा, देखो x कॉमन करो तो x माइनस थ्री, है ना, इक्वल्स टू ज़ीरो रखो इसको, तो या तो ज़ीरो होएगा बेटा या फिर थ्री होगा, तो ज़ीरो कॉमा थ्री कहीं पर है 31, यस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसके हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं, तो इसको ज़ीरो, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन को ज़ीरो रखिए, है ना, तो एक तरीके से हमने इसके फैक्टर करने होते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं रूट थ्री एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, राइट, इसको लिख सकते हैं रूट थ्री एक्स माइनस वन एंड रूट थ्री एक्स प्लस वन इक्विवेलेंट टू ज़ीरो,
तो यहाँ से x इक्वल्स टू वन अपॉन रूट थ्री एंड x इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री हमें मिल जाएगा, है ना। तो देख लो यहाँ पर कहीं ऑप्शन है प्लस वन रूट थ्री, वन अपॉन रूट थ्री और माइनस वन अपॉन रूट थ्री। यस, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए बहुत देर से हटाइए। चलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन।